हेलो फ्रेंड्स, मैसेल नाग अजय, कैसे हैं आप लोग। आज बात ऐसा है कि हमारे इंडियन एम्बेसी की तरफ से कुछ कल्चरल फेस्ट का आयोजन किया गया है, सोवियस्काया फ्रुंजे। तो मैं अभी वहीं जा रहा हूं, तो चलिए फिर आपको भी दिखलाता हूं कि कैसा प्रोग्राम हो रहा है। ये सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रहा है, ये इंडियन एम्बेसी है और वो हमारा भारतीय झंडा। अगर आप कहीं फॉरेन में रहते हैं और वहाँ अगर आपको अपने देश का फ्लैग दिख जाए तो बड़ा इमोशनल सा फील होता है। मिस यू माई कंट्री, आई लव माई इंडिया। पहुंच गए भैया। मेरे साथ है सौरभ, सौरभ रतन। हाय दोस्तों, ये भगवाधारी आदमी है हरि आशुतोष। यहाँ पर एंट्री है पीछे। ये जो पीछे आप एक छोटा सा घर जैसा देख रहे हैं, इसे बोलते हैं यूर्ता। ये यहाँ का किर्गिस्तान का नेशनल होम है। तो फ्रेंड्स, अभी मिलिए मेरे एक दोस्त से, शी इज माई ग्रुपमेट ऑल्सो, अंबिका दसवाल। हेलो, मेरा फ्रेंड अर्जुन आ गया। प्लीज इसका जो चैनल है उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी, शेयर भी करिए और शेयर भी करिए। इसी किर्गिज नेशनल होम यूर्ता के अंदर बच्चों को योगा सिखाया जा रहा है। आइए चलते देखते हैं अंदर। भ्रामरी प्राणायाम, तो यहाँ मेरे साथ है आयुष बाबू और शशि बाबू। हेलो, मेरे जूनियर हैं पर भाई जैसे हैं। यहाँ पर कल्चरल फेस्ट में लोगों को बुलाया गया था इंडिया के योगा को प्रमोट करने के लिए, तो कुछ बताओ भाई। योगा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग आए थे लोग, तो काफी प्रसन्नता हुई यहाँ के लोगों ने, काफी लोग, मतलब काफी भीड़ आई और योगा हम लोग सिखाए। काफी उत्सुक थे योगा सीखने के लिए, उत्सुक थे लोग और काफी प्यार आशा दिए। करते हैं, आशा करते हैं कि सब लोग जो हमने सिखाया उसको फॉलो करेंगे और योगा को और दुनिया में और किर्गिस्तान में आगे बढ़ावा देंगे। आप देखिए, किर्गिस्तान में आज भगवा हो गया है, मैं भी भगवा, ये भी भगवा, इधर थोड़ा सा नहीं हुआ है। भारत माता की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम। एक फोटो। Вы знаете, что это? Это Микенди. Что? Микенди. Мехенди. Да. Вы первый раз дали это? Первый раз, да. Спасибо. И что вы думаете о Микенди? Любыми? Микенди мы любим с детства, так как смотрим, а выросли на индийских фильмах. Чакраборти. Здесь все только Митхун Чакраборти. Да, Ашрая Рай, мы всех их очень любим, знаем. Поэтому... पैथोलॉजी पढ़ाते हैं, तो आज जैसे कल्चरल फेस्ट है इंडिया का, तो साथ में आ गए हैं देखने के लिए, तो मुझे यहाँ मिल गई। मैम, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडिया? इंटरेस्टिंग कंट्री विद ओल्ड कल्चर एंड आई लाइक माय स्टूडेंट्स वेरी मच, सो दे डांस। माय डॉटर्स, ये कितने मैम की बेटी? शो योर हैंड्स प्लीज। ये मेहंदी लगाई हुई है, हां देखो देखो दिखा दिखा, यहां मेहंदी लगाई हुई है, ये दोनों मेहंदी लगाई हुई है। ओहो, गुलिया। गुलिया।
Даша, очень приятно. Спасибо. हमारी गुलारा मैम हम लोगों को पढ़ाती है हमारे इंडियन कल्चरल फेस्ट में भी आए हुए मैम व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडिया दिस इज समथिंग इज सो ग्रेट कंट्री इट्स सो ब्यूटीफुल कंट्री व्हेन इट इज गुड आवर स्टूडेंट्स ट्राई टू इंट्रोड्यूस विद देयर कल्चर थैंक यू फॉर दैट मैम हैव यू बीन इन इंडिया नो आई हैवंट बीन बट आई होप प्लीज 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 कम एंड से राइट ऑफ प्राइमरी Yes, we will help you everything. There is no problem. Thank you. Okay, thank you. Boys, thank you. What? Okay. Thank you, ma'am. फ्रेंड्स यही था कल्चरल फेस्ट ऑफ इंडिया एंड किर्गिस्तान बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर यहाँ जैसे ऐसा लगा जैसे आप किसी दूसरे कंट्री में अगर अपने कंट्री के चीज़ों को अपने कंट्री के कल्चर को या अपने कंट्री के लोगों को देखते हैं तो एक अलग ही फीलिंग होती है एक अलग तरह का इमोशंस होता है अभी मैं रियली में अपने इंडिया को मिस कर रहा हूँ आई लव माई इंडिया आई मिस माई इंडिया जय हिंद जय भारत भारत माता की जय